और इस वक्त खबर आ रही महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर से जुड़ी, जहां जबरदस्त हंगामा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश के बाद पुरुषों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन आज गुड़ी पड़वा के मौके पर आप देखिए बड़ी संख्या में पुरुष श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए, जबरदस्ती जल चढ़ाया। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह अफरा तफरी मची है। गर्भगृह में जल चढ़ाने के लिए मारामारी है, सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़कर सब अंदर घुस गए। इससे पूरी व्यवस्था ही यहाँ पर चौपट हो गई है। पाबंदी के बावजूद गर्भगृह में पुरुष घुस गए, क्योंकि महिलाओं ने पहले प्रवेश किया था और उसके बाद अब पुरुष प्रवेश कर चुके हैं। जितनी बैरिकेडिंग लगाई गई, जितनी सुरक्षा व्यवस्था थी, उस सबको ठेंगा दिखा। तो देखिए किस तरीके से पार करके पुरुष गर्भगृह में जाकर जल चढ़ा रहे हैं। आस्था है अपनी जगह, लेकिन कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर आस्था। आप साफ देख सकते हैं किस तरह अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई। निखिल चोकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। क्या पूरा मामला है? कानून की धज्जियां उड़ा दी, एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया गया। हाँ जरूर, शनि चबूतरे के ऊपर महिलाओं को जाने के लिए बहुत सालों से बंदी थी, लेकिन कुछ दिन पहले एक महिला ने शनि चबूतरे से जाके शनि दर्शन लिया था। उस मामले के बाद बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि महिलाओं को भी शनि चबूतरे के ऊपर जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। इस मामले के बाद शनि देवस्थान जो है, इन्होंने पुरुष और महिला दोनों को भी बंदी डाली थी, लेकिन आज जो शनि शिंगणापुर की ग्रामस्थ है, उन्होंने आज शनि चबूतरे के ऊपर जाकर जलाभिषेक किया है और अपना जो रिवाज है गुड़ी पड़वा के दिन का जो रिवाज है वो कायम रखा है। अच्छा, धन्यवाद पूरी जानकारी हमें देने के लिए इस खबर पर। अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले महिलाओं के एंट्री पर लगे बैन की वजह से शनि शिंगणापुर मंदिर के प्रशासन ने किसी विवाद से बचने के लिए 400 साल पुरानी रीति को छोड़ पुरुषों की एंट्री पर रोक लगाई थी। ये भी बता दें कि गुड़ी पड़वा के मौके पर यहां देवता को नहलाया जाता है, जिसमें सिर्फ पुरुष होते हैं, लेकिन मंदिर के प्रशासन के फैसले को न मानते हुए पुरुषों ने जबरदस्ती पवित्र शिला वाले चबूतरे पर जल चढ़ा दिया। खबर ये कि इस पूरे हंगामे के बाद मंदिर प्रशासन ने पुरुष और महिला दोनों को पूजा की आप इजाजत दे दिए, लेकिन ऐसे घुसकर सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर वहां पर भक्त ऐसे गर्भगृह में घुसे हुए, सीधे तौर पर कानून के उल्लंघन की थी भी तो बात सामने निकल कर आ रही, लेकिन हंगामे की स्थिति अभी भी वहां पर बरकरार है। शनि शिंगणापुर मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं।